ओम शांति। बंबई का चलाया हुआ प्रातः क्लास है 2 जनवरी 1964। सातवें पेज के मध्यादि में बात चल रही थी अभी मोक्ष किसी को नहीं मिलना है, सदाकाल की मुक्ति किसी की होती नहीं। पाप आकर के समझाते हैं बच्चे, ये बना बनाया इम्परेसिबल अविनाशी ड्रम है। सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी सतयुग से कलयुग तक चक्कर लगाती ही रहती है, जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। गवर्नमेंट ने जिसको चरखा नाम दिया है। अब चरखा और चक्र में फर्क क्या है? क्या फर्क है? कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन से टाइम की गवर्नमेंट ने चरखा नाम दिया है? तमो प्रधान दुनिया की गवर्नमेंट ने चरखा नाम दिया है, चर्र करके खा लिया। और बाबा ने नाम क्या दिया है? चक्र। तो जिसको गवर्नमेंट ने चरखा नाम रख दिया तो फर्क क्या है? फिरता तो वो चरखा भी है, वो भी फिरता है, परंतु वो जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, और बाप है पारस बुद्धि। वो समझ देते हैं कि बच्चे ये जो चक्र भारत में दिखाते हैं ये सुदर्शन चक्र है, है? स्व दर्शन चक्र, अपनी आत्मा का सारे ड्रामा में चक्र में क्या पार्ट है वो देखना है। और ये जो चरखा दिखलाया है वो भी नहीं है, ये जो दुनिया में नाटकों पर दिखाते हैं कि सुदर्शन चक्र से शीश कट गया, फलाना हो गया, कृष्ण चक्र चरित्र दिखाते हैं या कंस वध दिखाते हैं, ये कंस वध का एक नाटक दिखाते हैं। आगे देखना अभी है या नहीं है, उसमें दिखाते हैं कृष्ण स्वदर्शन चक्र से गला काटते रहते हैं। क्या मतलब हुआ? अपनी आत्मा का ड्रामा में क्या पार्ट है वो दिखाते जाते हैं और गले कटते जाते हैं। गला काटने का क्या मतलब? आत्मा अलग हो जाती
और देह भागना लग हो जाता, तो उसका ये अर्थ है यहाँ की हिंसा की तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईश्वर से जब हमको वर्षा मिलना होता है तो इसमें हिंसा की कोई बात नहीं मिलती है। नहीं, हम तो बाप से वर्षा लेते हैं। बाप से वर्षा लेने के लिए कोई को मारना होता है क्या? हम लौकिक बाप से वर्षा लेने के लिए कोई किसी को कत्ल करते हैं क्या? कोई लड़ाई करते हैं क्या? ये भी तो बेहद के बाप से हम सबको वर्षा लेना है ना। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। वो चरखा घुमाते हैं, किससे लड़ाई लड़ी है? क्रिश्चियंस से लड़ाई लड़ी। चरखा घुमाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? है कपड़ा बनाने का धागा, सूत निकलता है। और जितना चरखा घुमावेंगे तो वो विदेशी भूत भाग जावेंगे। तो उनसे हद का वर्षा मिला एक जन्म का या 84 जन्म का वर्षा मिला? एक जन्म का वर्षा मिला। और हमको वर्षा लेना है बेहद के बाप से, बेहद का वर्षा। तो बस हम तो कोई लड़ाई वड़ाई किसी से करती नहीं है। हम बाप से जैसे बाप श्रीमत देते हैं, बाप को याद करो। अब बाप के वर्षे को, स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा और तुम जाके अपनी राजाई ले लेंगे। बस अभी इनमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। गीता और महाभारत में कितनी लड़ाई की बातें रख दी हैं। लड़ाई है तो जरूर, परंतु किससे लड़ाई है? है तुम्हारी लड़ाई है पांच विकारों से, माया रावण से तुम्हारी लड़ाई है। लड़ाई तो जरूर है, परंतु तुम बच्चे आपस में कोई लड़ाई थोड़ी ही लड़ते हो। यहां कोई पांडवों की लड़ाई थोड़ी ही है कौरवों के साथ। पांडवों की लड़ाई तो कोई के भी साथ नहीं है। वो हैं पंडा बाप भगवान के बच्चे, जो सारी दुनिया को रास्ता बताने वाला है। पंडे क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। तो यहां तो ये योग बल से अपने बाप से वर्षा ले रहे हैं। इसको कहा जाता है योग बल। तो वर्षा योग बल से बेहद के बाप से लेंगे सो तो जरूर नई सृष्टि का लेंगे। या पुरानी सृष्टि का लेंगे? ओ बापू जी ने चरखा घुमाया, कौन सा वर्षा मिला? नई दुनिया का वर्षा मिला या दुनिया और ही पुरानी का वर्षा मिला? तो देखो
इन पांडवों ने कोई से लड़ाई थोड़े ही की है, इन्होंने राजाई कैसे ली, कैसे ली? योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाई। तो कहा जाता है इंद्रिय जीते जगदीप। सो तो तुम अभी ले रहे हो योग बल से स्वर्ग की राजधानी। अगर कोई लड़ाई की होती तो स्वर्ग कहां से आया, लड़ाई की होगी तो नरक में ही की होगी, स्वर्ग में तो लड़ाई होती नहीं है, नरक में तो कचड़ पट्टी पड़ी हुई है। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है दैत्यों और देवताओं की लड़ाई, ये संगम युग की बात है ना। अभी संगम युग में देवता बनने वाली आत्माएं और राक्षसी स्वभाव संस्कार की जन्म जन्मांतर की आत्माएं, दोनों प्रकार की आत्माएं हैं। क्योंकि दैत्यों का विनाश होता है, किसका विनाश होता है, दैत्यों का। दैत्य नाम क्यों पड़ा है, दिति की औलाद है, दिति किसे कहा जाता है, है? दिति माना क्या, आदिति माने क्या, आदिति माने अद्वैत, क्या एक बाप दूसरा न कोई, और द्विति माने द्वैतवादी, बार बार डाइवोर्स देते रहते हैं, दो दो चार चार को अपनाते हैं जिंदगी में, या एक को अपना बना के रखते हैं। तो ऐसे व्यभिचारी दैत्यों का विनाश होता है, और अदिति की संतान अद्वैतवादी देवताओं की स्थापना होती है। तो वो समझते हैं कि दैत्य और देवताओं की लड़ाई लगी होगी, परंतु यहां लड़ाई तो है ही नहीं, लड़ाई लड़ते हैं क्या, न दैत्य और देवताओं की लड़ाई है, न कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, है तो कुछ भी नहीं। हाँ वो बात ठीक है कि बरोबर देवताओं को कलश मिला, काहे का कलश मिला, ज्ञान अमृत का कलश मिला। वो अमृत का कलश कैसे मिला, है विचार सागर मंथन किया होगा ना, तो जिनों जिनों ने विचार सागर मंथन किया, विचार सागर मंथन करने के बाद सबको अपनी अपनी स्थिति का स्व माने आत्मा का पता चल जाता है कि हमने अमृत का मंथन किया या विष का मंथन किया, अपने को अपना पता तो चलता है ना। वो असुर थे और वो देवता थे। सुर कहा जाता है, क्यों उनको सुर और उनको असुर कहा जाता है, जो देवताएं होते हैं अद्वैतवादी होते हैं
एक को मानने वाले होते हैं वो एक के स्वर में सुर मिलाकर चलते हैं, और जो दैत्य होते हैं असुर होते हैं वो सुर में सुर मिलाकर नहीं चल सकते। तो उन देवताओं को पिलाया देवता बनाने के लिए, तो इसमें भी लड़ाई की तो कोई बात नहीं निकलती है। वो भी तो लिखा हुआ है ना कि कलश निकला, और वो कलश किसको दिया? माताओं को दिया। शक्ति सेना को दिया, माताओं को दिया, शक्ति सेना को दिया। बाकी को क्यों नहीं दिया? है अच्छा, कन्याओं को दिया ऐसा क्यों नहीं बोला? है कन्याओं को माता बनाता, माताओं को कन्या। हाँ, क्योंकि कन्याएं तो बाप की बनती हैं, तो माता ही बन जाती है। तो बोला माताओं को कलश दिया, सो कलश तो अभी ठीक मिल रहा है ना। अभी कलश मिला, अमृत पिया, मनुष्य अमृत पीकर देवता बने। लड़ाई की बात इसमें भी नहीं उठ सकती है। बाकी हाँ, अभी तो विनाश के लिए इंटरनेशनल लगा लड़ाइयां लगनी है, सब आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, और तुमको चुप्पी से एकदम बाबा कहते हैं, तुम कोई लड़ाई बड़ाई की रगड़ पट्टी में न पड़ो, कोई तकलीफ न करो। किसको घूसा मारने की तुमको याद भी नहीं रहती, न कोई को मुख से कुछ कहना है। क्या वाचा से भी तो लड़ाई लड़ते हैं, तो तुमको वाचा से भी लड़ाई नहीं लड़नी है, और कर्मेंद्रियों से भी लड़ाई नहीं लड़नी है, कुछ भी कहने का नहीं है। ये समझने की बात है। क्या करो है? कोई ऐसा काम करता है, दुख देता है, तो गुस्सा आ जाता है कि गुस्सा इसको भी मार दे। तो क्या करो? कुछ भी न करें, तुम बाप को याद करो। देखो तुमको तकलीफ तो कोई भी नहीं देते हैं। अभी ड्रामा पूरा होता है ना, तो ये सभी खत्म होने का है। ये दुनिया तो पुराना घर है, सो तो तुम जानते हो कि कैलेमिटीज आएंगी तो एकदम खत्म हो जाने का है। कैसे है? है लास्ट में जो विनाश होगा वो ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलेगा, उसका नाम है कौन सा विश्व युद्ध? चतुर्थ विश्व युद्ध। सभी खत्म हो जाएंगे, और तुम्हारे होते होते हमको देखना है जरूर। क्या
ये किसने कहा कि तुम्हारे होते होते हमको देखना है जरूर? किसको देखना है? हमको देखना है तुम्हारे होते होते। बाप होते हुए हमको देखना है, विनाश कैसे होता है? बाप होते होते हमको देखना है। विनाश के टाइम पर बाप होता है? शुभावा तो होता है। शुभावा दिखाई पड़ता है? नहीं, पड़ता। फिर देखना किसको है? तुम्हारे होते होते हमको देखना है जरूर। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कैसे देखेंगे? कोई बच्चों में ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसी आत्माएं प्रवेश करके ये सब विनाश की बात देखेंगी। जो भी दिव्य दृश्य से चीज देखी है सो इन आंखों से देखनी जरूर है। ब्रह्मा बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार किया ना, उनके साथियों ने, दीदी दादियों ने भी साक्षात्कार किए ना, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से आदि में देखा तो अंत में कैसे देखना है? हैं? हाँ, तुम्हारे होते होते माने तुम इस संसार में रहेंगे और वो देखेंगे। सो भी इस शरीर के होते होते देखेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ सूक्ष्म शरीर से देखेंगे। फिर जो दिव्य दृष्टि से वैकुंठ दिखता है उसे फिर नया शरीर मिलेगा। फिर भी माने कब भी है? वैकुंठ की बात बताई ना। जो दिव्य दृष्टि से वैकुंठ दिखता है उसे फिर नया शरीर मिलेगा। फिर भी इन आंखों से हम वहां होंगे क्या है? इन आंखों से हम वहां होंगे। कौन होंगे? ब्रह्मा बाप होंगे। इन आंखों से हम वहां होंगे, इन आंखों से होंगे। फिर हमको ये ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये जो जन्म है इसको ही कहा जाता है मनुष्य का ये अंतिम जीवन अमूल्य है। किसमें कहा जाता है? हैं? शास्त्रों में कहा गया है ना, मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। उन्होंने क्या समझ लिया कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर ये एक जन्म मनुष्य का मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 84 लाख योनियों की तो बात ही नहीं। 84 जन्म में भ्रमण करने के बाद फिर तुमको ये नया चोला मिलेगा। तब हमको ये ज्ञान नहीं होगा। अभी ये तुम्हारा अंतिम 84वां अंतिम जन्म अमूल्य जीवन है। क्यों? इसके बाद तो सत्युग आने वाला है। 84 जन्मों में से जो सतयुग का पहला जन्म होगा वो अमूल्य नहीं होगा है? उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो है, मूल्य है लेकिन उसका, उस जीवन का फिर भी मूल्य आका जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम,
और यहाँ यहाँ तो तुम सूर्य की औलाद हो। सूर्य कलाओं में बांधा जाता है क्या? उसको तो कहते ही है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। नहीं तो इस दुनिया में मनुष्य की चमड़ी भी काम में नहीं आती है, जानवरों की तो चमड़ी भी काम आ जाती है, है? जानवरों की चमड़ी काम में आती है और मनुष्यों की चमड़ी काम में नहीं आती है। बाबा कहते हैं गाय की चमड़ी की जूती भी बन जाती है, है? बनती है या नहीं? कुरुम मनुष्य कोई काम में नहीं आते। तो कहा जाता है अमूल्य कौन सा जीवन है? त्रासी जन्मों का अमूल्य जीवन है। क्या ये तुम्हारा अंतिम 84 जन्म है? ये अमूल्य जीवन है। ये अमूल्य जीवन क्यों कहा? इसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। जैसे कहते हैं कोहिनूर हीरे का कोई मूल्य नहीं आंक सकता, तो तुम्हारा ये जन्म भी बहुत अमूल्य है। क्यों है? इस जन्म में तुम हीरे जैसे बनते हो। वो जो जन्म पास किए हैं ना, हर कल्प में ये संगम युग में वो जन्म अमूल्य जन्म पास किए हैं ना, वो अमूल्य थे। सतयुग त्रेता तक वो अमूल्य हीरे जैसा जन्म चला। पीछे जो जो भी वर्ष आया वो न्यू नहीं आया, वो पुराना वर्ष होता गया। जैसे न्यू ईयर कहते हैं ना, परंतु ये न्यू ईयर क्राइस्ट का है। हो तो पुराना हो जाता है। जितना देरी होती है इतना पुराना कहते हैं। तो न्यू क्या कहेंगे इनको? वो कोई न्यू थोड़े ही है, परंतु ये समझ की बात है कि पुराना वर्ष है, नया मकान है। जो भी वर्ष गुजरेगा ये मकान पुराना होता जाएगा। उसके लिए तो नया नाम ही नहीं ले सकते हैं। परंतु नहीं, ऐसा गाया जाता है कि पहले पहले जो मकान होता है वो नया होता है, वो ही मकान फिर पुराना हो जाता है। तो ये भी ऐसे है, ये सृष्टि, ये सृष्टि रूपी मकान है ना, जिसमें हम रहते हैं, ये नया था अभी पुराना बना है, आगे इनको प्राचीन भारत कहा जाता था, जिसकी महिमा है। क्या महिमा है? इससे भारत की नएपन की महिमा है। क्या महिमा है? भारत में सोने की चिड़िया, सारी दुनिया में महिमा है सोने की चिड़िया। सब कब्जे में लेना चाहते,
लेकिन कोई के भी हाथ नहीं आती। अभी तो ये भारत पुराना हो गया है, तो कैसा चुंगल में फंसा हुआ है विदेशियों के। तो पुराने और नए में फर्क देखते हो, अपने पुराने महल में और फिर नए महल में फर्क क्या है। देखो ये सिंधवर की हैदराबाद में क्या रहते थे, कहां रहते थे, वहां क्या था, सबको याद तो होगा ना, कहां कहां रहते थे। कोई का फुलेलियो, कोई का ईंट का घर। अभी तो देखो 20-20 मारे बन रही हैं। क्यों बन रही है इतनी मारे? एक मार का मकान होगा तो जल्दी गिरेगा भूकंप में, या ज्यादा ज्यादा मंजिलों के मकान होंगे तो भूकंप में ज्यादा गिरेंगे? ज्यादा मंजिलों के मकान ज्यादा गिरेंगे। तो ये जो 20-20 मारे बन रही हैं, क्योंकि गिरने में सहज हो जाएंगे। बहुत बन जाएंगे तो फिर कोई भी मारा नहीं बनने का है। तो ये बहुत मारे क्यों बनती हैं? क्योंकि जमीन नहीं है, जमीन का मूल्य अधिक हो गया। देखो अभी जमीन का मूल्य कितना हो गया है। अमेरिका में भी तो जमीन का मूल्य बहुत होगा ना। तो ये साहूकारी सबकी आर्टिफिशियल है क्या? पहले सस्ते में जमीन खरीद ली, फिर 10-20 वर्ष के बाद 50 गुने में जमीन को बेचने लगे। ये आर्टिफिशियल कमाई है या ओरिजिनल कमाई है? क्योंकि अभी तो जमीन ही नहीं है, यानी जहां जरूरत है वहां जमीन नहीं है। वैसे जमीन तो ये बहुत पड़ी हुई है, खेती होती है, वो खेती की जमीन कोई कम थोड़े ही है। परंतु नहीं, जहां आजकल ये धंधे धोरी होते हैं वहां जमीन नहीं है। सबसे कास्टली धंधा कौन सा होता है? है जिसमें बहुत कमाई है, है जहां वो धंधा होता है वहां अगर जमीन लेंगे तो उसकी बहुत कास्ट होती है। कोई भी शहर में चले जाओ, जहां धंधा धोरी होती है वहां तो जमीन ही नहीं रहती, बहुत कास्ट हो जाती। तो जितनी इमारतें चाहिए उतनी इमारतें बनावे, फुल 50-60 मार भी बनावे, फिर बाद में तो एक भी मार नहीं मिलेगी। वहां नई दुनिया में कोई मार नहीं बनती है। तो नई दुनिया में
और पुरानी दुनिया में देखो कितना फर्क है। पुरानी दुनिया में एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बैठी हुई है, दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, मारे ही मारे। अब बेहद में जाओ, एक के ऊपर दूसरा कंट्रोलर, दूसरे के ऊपर तीसरा कंट्रोलर, तीसरे के ऊपर चौथा कंट्रोलर, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। इसको कहेंगे पुरानी दुनिया, और नई दुनिया में कंट्रोलर एक ही होगा, उसके ऊपर कोई बैठने वाला नहीं होगा। मनुष्य ये समझते हैं कि अपनी जो कांग्रेस है वो कांग्रेस दिल्ली को नई दिल्ली बना रहे हैं, भारत को नया बना रहे हैं। अरे नहीं, ये तो पुराना बना रहे हैं ना, ये मकान नया बनाया तो दिल्ली नहीं बनी। अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली में अंग्रेजों का राज हुआ तो नई दिल्ली बनाई, लाल पत्थरों की बनाई ना, तो नाम दे दिया नई दिल्ली। अभी पत्थरों के मकान बनाने से कोई नई दिल्ली हो गई क्या, ये भी कोई बात है। इसमें प्लेन्स बनाने हैं, हम इंडिया को नया बना रहे हैं, समझते हैं बहुत बहुत बहिष्ट बना देंगे। अरे नहीं, तुम लोगों का ये प्लान ही है इंडिया को दोजख बनाने का। क्या अभी हर बड़े महानगर में चले जाओ, दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगर है ना, कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है नहीं? अरे एरोप्लेन कहाँ से उड़ते हैं, एरोड्रम से उड़ते हैं ना, तो हर महानगर में एरोड्रम को देखो जाकर, अंदर घुसने से क्या लगता है कहाँ आ गए। अरे पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में आ गए, परंतु वो जो एरोप्लेन के उतरने और उड़ने का स्थान बनाया है एरोड्रोम, वो गरीबों के खून चूस के बनाया है या ऐसे ही बन गया है, तो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा क्या, अति का अंत नहीं होगा क्या। तो बोला ये बहिष्त नहीं बना रहे हैं, तुम लोगों का प्लान ही है इंडिया को दोजख बनाने का। क्या बनाने का, नरक बनाने का प्लान बना रहे हैं। सच्ची सच्ची बहिष्त तो बाप बनाएगा, ये तुम्हारा बनाना करना पुराना होना ही है। तुम अपनी विकारी बुद्धि से जो भी करोगे, जो भी कर्तव्य करोगे, वो इनको दोजख बनाने का, नरक बनाने का ही करोगे। जप तप तीर्थ होम यज्ञ ये भी बहुत होते रहेंगे, और तुम बैठ करके देखेंगे क्या, या बैठ करके करेंगे, तुम बैठ करके देखेंगे ये क्या कर रहे हैं। वो बहुत यज्ञ रचते रहेंगे,
जब कड़ी कड़ी आफतें आएंगी तो पीछे ये सभी यज्ञ रचना शुरू कर देंगे। क्या बहुत बड़ी बड़ी आफतें आना शुरू होंगी तो पीछे बहुत यज्ञ करेंगे। देखो कितने यज्ञ रचते हैं कि आपदाएं छूट जाएं, पर नहीं, सभी आपदाएं तो इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वो जो मैटेरियल यज्ञ रचते हैं उसमें ये आपदाएं स्वाहा नहीं होंगी। वो यज्ञ इसलिए रचते हैं कि आपदाएं नहीं आवे। और यहाँ बाप कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में सब कुछ है, जो भी आपदाएं आदि हैं वो भी पिछाड़ी में स्वाहा हो जाएंगे। मनुष्य यज्ञ रचते हैं तो क्या कहते हैं? स्वा हा, उन्हें पता ही नहीं है ये क्या होता है। अरे स्व माने आत्मा, आत्मा के अंदर जो भी विकार है, विकारों का भंडार है, वो सब खत्म करना, राख बनाना। तो बाप कहते हैं मेरे इस ज्ञान यज्ञ में ये जो भी सृष्टि रूपी कचरा और सामान देखते हो वो सभी स्वाहा हो जाएगा। यानी ये सारा विकारों का कचरा स्वाहा हो जाएगा। देखो ये बातें कहाँ की हैं? आज गुरुवार है तो बाबा फिर भी अंत में कहते हैं कि ये तो डिटेल में समझाया है, नटसेल में तो बाप को याद करो। जितना जितना याद में रहेंगे भले कहां भी रहो, कोई बच्ची को देख करके कहा बच्ची बहुत बांधेली है ना, वो क्या करेंगी भला है, बांधेली है तो क्या करेंगी, कुछ भागदौड़ करेंगी है, कोई को कोर्स वगैरह देंगी, भाषण करेंगी जाकर, नहीं करेंगी तो क्या करेंगी भला। उनके लिए कहा कहां भी बिचारी सुन सके कि एक बाप को याद करो तो कितना सहज है। बांधेलियों को कहते हैं मीठी बच्ची तुम क्यों मार खाती हो है? तुम घर में बैठ करके बाप को याद करो। बांधेलियों को भी इच्छा होती ना, मैं भी जाकर के सेवा करूं, मेरा भी भाग्य बने, तो सेवा करने के बहाने बाहर निकल पड़ती है। बाहर निकल पड़ती है तो पति हाँ बांधेली बनाता है, मार मारता है। तो बाबा कहते तुम क्यों मार खाती हो, क्या करो, तुम घर में बैठे बैठे बाप को याद करो। घर बैठे बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करो। बाबा हम तो बहुत बंधन में हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं है? तो बाप क्या कहेंगे है? अरे बांधेली माताओं की तो और ही अच्छी याद होती है। अच्छी कैसे? क्योंकि उनको एक ही बाप की याद, एक बाप की याद रहती है, आप भी बिचारी याद रहती है।
तो ड्रामा अनुसार ये बंधन में तो है, कल पहले भी ऐसे हुए ही होंगी। अच्छा अभी बाप, अभी आप कहते हो ना कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। फिर बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ याद ही करो, कुछ और भी करो, हैं? पवित्र भी तो रहना है ना। बुद्धि से बाप को याद करेंगे, शरीर से तो नहीं करेंगे। कर्मेंद्रियां तो बंधन में है, शरीर को तो बंधन में बांधा हुआ है, परंतु मन को तो कोई नहीं बांध सकता। तो बाप को याद तो करो, लेकिन फिर और क्या करो, है? मन बुद्धि को पवित्र बनाओ, मन बुद्धि से विकारी सुख नहीं भोगना है। तो पवित्रता पर ये नर छोड़ते ही नहीं है। फिर भी याद करेंगी तो सच्ची याद कब कही जाएगी, जब मनसा से भी विकार को न भोगे। पवित्र भी तो रहना है ना। तो बाबा ये पवित्रता की बड़ी भारी मुसीबत आ जाती है, है? क्या मुसीबत आ जाती है, है? अरे शरीर स्वस्थ हो, लड्डू पेड़ा मलाई मिश्री सामने आ जाए, कोई भी आसपास नहीं हो तो क्या करेंगे, हैं? हाँ कुछ कुछ लटपटाएगी जीव, नहीं लटपटाई जाती है। तो पवित्रता की बड़ी भारी मुसीबत आ जाती है। ये पवित्रता पर मनुष्य तो छोड़ेंगे ही नहीं। अगर मनुष्य छोड़ने वाले होते तो स्वर्ग का द्वार खोलने की जिम्मेवारी किसको दे देते, मनुष्यों को ही दे देते। लेकिन बाबा ने इन मनुष्यों को तो स्वर्ग का द्वार खोलने की जिम्मेवारी नहीं दी, किसको दी, माताओं को दी। तो ये जो भारी मुसीबत समझते हैं, इस भारी मुसीबत को भी हल्का कौन बना देंगी, हैं? माताएं ही बना सकती हैं। हाँ ये बात जरा मुश्किल सी है। क्या है, घर गृहस्थ में पति के साथ रहो और फिर पवित्र रहो। पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये जो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये खास अत्याचार इस बात पर ही होते हैं। कौन सी बात, पवित्रता की बात पर। तो जरूर तुमको मार खानी पड़ेगी। अरे जरूर मार, अभी कह दिया तुम मार क्यों खाती हो, अभी कहता है जरूर तुमको मार खानी पड़ेगी। तो दो बातें कैसे साबित होंगी, है? पवित्र होने के लिए पवित्र और अपने मन कोई भी विकार में गया, मन को मन उसमें ललचाई मन न हो। हाँ तो मार नहीं खानी पड़ेगी, मार के खाएंगे। अरे बाबा तो कहा तो तुमको मार भी खानी पड़ेगी। मार भी क्यों लगा दिया, है? भी का मतलब कोई और चीज भी है, है? अगर तुम विकारी सुख लेती रहेंगी तो तुमको मार भी खानी पड़ेगी। नहीं तो बाबा ने तो बताई दिए है, अगर पति मारता है
चोट का निशान है तो जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करो, मेडिकल जांच की रिपोर्ट लो और फिर चाहे जहां चली जाओ। क्या फिर गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं करेगी? अगर वो पीछे भी पड़ेगा तो उसको दंड मिलेगा या तुमको मिलेगा? उसको पहले दंड मिलेगा। बाप कहते हैं वो तो मैंने सहज बात बताई, बाकी तुम कहेंगे ये अपवित्र बनाते हैं। ये नहीं, क्या क्या बांधेली माताएं अक्सर करके किसकी शिकायत करती हैं? हैं? पतियों की शिकायत करती है ना। तुम कहेंगी ये अपवित्र बनाते हैं, ये नहीं, ये तो फिर मार खाओ। अरे तुम दूसरों की कंप्लेंट करती रहोगी या कंप्लीट बनोगी? हैं? कंप्लीट बनना है, अपने को कंप्लीट पहले बनाना है। उसमें तो मार नहीं खाएंगी, किसमें? कंप्लीट बनने में। हैं? हाँ, जब कंप्लीट बनेंगी तो मार नहीं खाएंगी, घर में रहेंगी, बाप को याद करेंगी, उसमें तो कोई मार नहीं देंगे। मारेंगे तुमको ये विख के लिए। अभी विख के लिए ही तुम्हारा काम है बहादुर बनना, तो वो विख तुम ना दो। सो तो आजकल वो गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, नहीं तो देखो आज चीन में लिखा है कि चीन में जो दो या तीन बच्चे वाले होंगे उन्हीं को राशन मिलेगा। क्या जास्ती बच्चे वालों को राशन ही नहीं मिलेगा? क्या है ये राशन? क्या चीज है? बेहद में क्या चीज है? याद की खुराक है। चीन कौन सा धर्मखंड है? बौद्ध धर्मखंड है। जो भी भारतीय धर्मखंड हैं, उनमें जास्ती पवित्रता के कारण हट्टे कट्टे कौन होते हैं? बौद्ध लोग होते हैं। तो चीन में आज भी ये नियम निकाला गया है कि दो तीन बच्चों से अगर जास्ती बच्चे होंगे तो उनको राशन गवर्नमेंट से मुहैया नहीं होगा। बेहद की क्या बात है? अगर भिखारी बनती रहेंगी तो याद आना बंद हो जाएगी। तो ये लिखते ही यहां के ऊपर कलम लगाने का, ये युक्ति रचते हैं ना। अरे युक्तियां तो बहुत होती है गवर्नमेंट में प्रोपोगंडा करने की। लिखते हैं चीन के लिए और करेंगे यहां। क्या बाबा ने क्या कहा? लिखते हैं चीन के लिए और करते हैं यहां। माना वो चीन वाले नहीं करेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर आएगा कि भाई जिसके पास दो या तीन बच्चे होंगे उनको राशन मिलेगा, इसलिए बच्चे बंद करो। अभी ऐसे थोड़े ही कोई बच्चे बंद करेंगे। कि नियम निकाल दिया, कानून निकाल दिया,
और कोई बच्चे पैदा करना बंद कर दे। काम महाशत्रु है। क्या कितने भी कानून निकालते रहे तो वो कानून वानून कुछ भी करो तो भी बच्चे जरूर पैदा करेंगे। भले मनुष्यों को कहा जाए कि बच्चे बंद करो, अच्छा बच्चे पैदा बंद करने से मिलेगा क्या, उससे फायदा क्या है? फायदा तो कोई दिखलाते नहीं है। दो जनवरी 1964 की वाणी का 10वां पेज। यहाँ तो देखो बाबा बोलते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सिर्फ एक अंतिम जन्म में मुझे याद करो तो मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। क्या नहीं तो नर्क में हैं? नहीं तो नर्क में गोते खाते। मुझे याद नहीं करेंगे? अरे बांदेली माताएं कहती हैं हम तो याद ही करते हैं आपको, याद नहीं करते हैं ये कैसे? अरे जिसका संग करेंगे उसका रंग चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और दिल लगाकर संग करेंगे तो संग जरूर चढ़ेगा। हाँ मन माना दिल, अगर मन या दिल ही नहीं लगी हुई है, दिल बाप में लगी हुई है तो संग का रंग लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ तो देखो बाबा बोलते हैं मुझे इस अंतिम जन्म में सिर्फ याद करो, सिर्फ मुझको याद करो तो मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाऊ। देखो ये बाप की प्रतिज्ञा है क्या है? सिर्फ मुझको याद करो, कोई दूसरे को नहीं। तो क्या होगा? मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा जरूर, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। और पापों से मुक्त हो करके तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये कथा है ना कि कृष्ण सत्यभामा भगाई जामवंती भगाई फलानी भगाई। अभी तो वो हुए सारे गपोड़े हैं? कैसे? अभी ये सब बातें गपोड़े हैं या वास्तव में है भगाई? है रथ में डाल के ले गए ऐसा कुछ है? अभी तो वो सब गपोड़े हो गए, कृष्ण थोड़े ही भगाएगा। सो भी बालक दिखाई दिया। एक तरफ में कृष्ण ने भगाई, एक तरफ में ज्ञान दिया। अरे बात ही मिलती नहीं है। अरे भगाई या ज्ञान दिया, या तो ज्ञान दिया या तो भगाई। नॉनसेंस बुद्धि भी नहीं कहेंगे। एक तरफ में कृष्ण को कहते हैं 108 रानियां थी, जामवंती भगाई। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान उवाच, हे अर्जुन फलानी फलानी बात, ये गीता सुनाते हैं। कोई खोरा लगता है? अब ये तो हुआ ड्रामा। अभी तुम बच्चों को फिर नरकवासी से हम स्वर्गवासी बनाए रहे हैं। चलो बच्ची क्विक,
स्वर्ग में जाने के लिए कितने प्रबंध रच सकते हैं। रिकॉर्ड चला ओम नमो शिवाय। देखो ये महिमा सबसे न्यारी है। शिव बाबा की महिमा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप यानी पिता। क्या कहा? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप यानी मनुष्य सृष्टि का पिता। फिर कहा जाता है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर है, सब का सागर ही सागर। अभी ये महिमा फिर लक्ष्मी नारायण या कृष्ण को नहीं दी जा सकती। उनकी फिर महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी देखो ये है ना उनकी महिमा न्यारी, और कोई की भी ऐसी महिमा नहीं है। वो जो महिमा है वो ऐसा फिर सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण मनुष्य को ऐसा बनाता है। कौन? जो बनाने वाला है वो सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण होता है क्या? है वो सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक होता है क्या? वो नहीं होता है। वो अगर सोलह कला संपूर्ण हो जाए तो इन कलाहीनों का अंत ही नहीं होगा। वो अगर अहिंसक बन जाए तो ये जो हिंसा से भरे पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं इनकी समाप्ति नहीं हो सकती। तो देखो भगवान की महिमा अलग और देवताओं की महिमा अलग। वो मनुष्य को देवता बनाने वाला है क्या? वो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। देवता कौन सा? बड़े से बड़ा नारायण। नारायण भगवान है क्या? है, है? नारायण में भगवान शिव नहीं प्रवेश करते? करते। अच्छा, शंकर में हाँ। तो जो शंकर है जिसमें शिव प्रत्यक्ष होते हैं वो महिमा अलग, और नारायण की या कृष्ण की महिमा अलग। तो पीछे तुम स्वर्गवासी बनेंगे, बैकुंठवासी बनेंगे। अच्छा, सब बच्चों को मिल गया यहाँ? क्या मिल गया? बाबा को क्या याद आ जाता है बार बार? टोली याद आ जाती है। जिसको न मिला हो टोली कहो, प्रसाद कहो, वो हाथ उठावे। अरे यहाँ अभी बहुत नहीं मिला है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो ये उनकी महिमा न्यारी है ना। अच्छा, माँ बाप दादा ऐसे कहें, देखो ये वंडरफुल है ना। यानी परम पिता को लिए, माना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये एक को गाया जाता है। वो बाबा भी ऐसे कहे ना कि मात पिता, तो बाबा कहते हैं बाबा या पिता, ये मम्मा और फिर दादा, ऐसे कहेंगे ना। या पहले दादा पीछे मम्मा, ये भी समझ की बात है। अच्छा, तुम लकी सितारों के प्रति याद प्यार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और माताओं को वंदे मातरम, शक्ति से न हो न, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। माता गुरु बिगर के भी कोई का उद्धार नहीं हो सकता, असंभव। साधु संत महात्मा
सभी शक्तियों के चरणों में गिरने के हैं। अच्छा, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, याद प्यार तो दे दिया, ओम शांति।